तो अभी मैं निकल चुका हूँ एयरपोर्ट के लिए और अभी 12 बज रहे हैं, 4 बजे की फ्लाइट है। तो कश्मीर हाईवे पे हूँ और ये मेरा भाई गाड़ी चला रहे बिलावल और ये पीछे बैठा हुआ है बसित, इसमें सारा सामान वगैरह और ये है इसने। तो अभी बस जा रहे हैं, बाकी देखते हैं एयरपोर्ट पे क्या सिचुएशन है। हाँ, क्या काबुल पहुंच जाएगा, काबुल से 30 मिनट में इंशाल्लाह इस्लामाबाद पहुंच जाएगा। क्या चीज यार, अच्छा। तो अभी पहुंच चुके हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद। चेक इन एरिया है कतर एयरवेज का और सामान के साथ मैं भी खड़ा हूँ। ये चेक इन पॉइंट है, बोर्डिंग हो गई है फ्रैंकफर्ट तक और अकराज भाई ने काफ़ी हेल्प की है। तो अभी जा रहा हूँ इमिग्रेशन के लिए। अकराज भाई जो हैं वो बड़े भाई के जानने वाले हैं, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की है सिक्योरिटी में भी, चेक इन में भी और अब इमिग्रेशन में भी। तो काफ़ी जल्दी और अच्छा प्रोसेस हो गया। A3 गेट से अभी एंटर होकर और अभी यहाँ पर वेटिंग एरिया, उसके बाद जहाज में बैठ कर हम फ्लाई करेंगे। ये वो जहाज़ है अभी रेस का जिस पर मैंने फ्लाई करना है। बिजनेस की बुकिंग, बिज़नेस की अनाउंसमेंट होने के बाद बिज़नेस वाले सारे लोग चले गए, उसके बाद इकोनॉमिक की A3 जोन चल रहा है और फिर जोन 4 आएगा तो वो अपना जोन 4 है। और मेरे लेफ्ट साइड पे कतर का एयरप्लेन खड़ा हुआ है जो अभी नज़र नहीं आया क्योंकि बैड लाइट्स हैं। तो टाइम पर ही है सब फ्लाइट वगैरह, होपफुली टाइम पर ही मटूँ। फाइनली बारी आ गई है और अभी जहाज की तरफ रवाना है। बोर्डिंग हो चुकी है और अभी 4 बजे अपने टाइम पर ही जहाज निकल पड़ा है डरते पर।
الطائرة يجب العلم بأنه الآن يمكنكم استخدام الهواتف النقالة إن كنتم ترغبون بذلك. तो अभी मैं दोहा पर पहुंचा हूं और दूसरी जो मेरी फ़्लाइट है दोहा से फ्रैंकफर्ट वो 8:40 दोहा के टाइम से निकलेगी. तो अभी मैं दोहा के एयरपोर्ट पे वेट कर रहा हूं और ये मेरे सामने एक बिग बियर है जो अक्सर पिक्चर्स में देखा था और आज लाइव देख रहा हूं. सो इट्स अ क्वाइट गुड प्लेस. ये कोई सॉफ्ट वूल से नहीं बना हुआ, ये हार्ड पॉलीमर प्लास्टिक टाइप मटेरियल है. पिक्चर्स में ऐसे लगता है कि सॉफ्ट मटेरियल है लेकिन प्लास्टिक पॉलीमर है. और यहाँ पर ये सड़क जो है ये GTA वाई सिटी में एक एयरपोर्ट है, उसका व्यू काफ़ी मिलता है इससे. तो फ़्लाइट बिल्कुल टाइम पर पहुँच गई थी दोहा. तो दोहा जो एयरपोर्ट है वहाँ पर उतर के दोबारा चेक इन किया फ्रैंकफर्ट के लिए. तो उसका टाइम 8:10 था फ्लाइट का जो फ्रैंकफर्ट जाने के, लेकिन शायद कुछ डिले की वजह से आधा घंटा लेट हो गया. तो अब 8:40 पर है. अभी मेरे पास 1.5 घंटा पड़ा हुआ है तो विंडो शॉपिंग वगैरह करूँ. काफ़ी अच्छी जगह है दोहा और ये एयरपोर्ट बहुत ही अच्छा बनाया हुआ. जो है 25 kg वाला ये तो सारा और अभी लगेज क्लेम करने के लिए डॉक्यूमेंट सारे मैंने जमा करवा दिए थे. तो रिपोर्ट मिल गई है और वो मैं कतर एयरवेज़ को मेल करूँगा और तो उनसे क्लेम करूँगा. और अभी फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे भी
दोपहर के 4 बज रहे हैं और मौसम काफ़ी अच्छा है और मैं भी बस आइस ट्रेन की तरफ ही जा रहा हूँ। काफ़ी मुश्किल हुई मैं ढूंढने में, तो बस इंफॉर्मेशन आगे पीछे से लेकर अभी मैं बस लिफ्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ और बस अभी लिफ्ट से ऊपर जाऊँगा 3rd फ्लोर पर और वहाँ से फिर मैं आगे ट्रेन पकड़ूँगा। स्टेशन का जो रास्ता है वो इसी तरफ उतार रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा एयरपोर्ट इन्होंने बनाया है और एयरपोर्ट के साथ साथ ही यहाँ पर इन्होंने ट्रेन का भी एक्सेस रखा हुआ है ताकि जिसने ट्रेन पर सफ़र करना है वो ट्रेन पर भी सफ़र करे और जिसने जहाज़ पर सफ़र करना है तो वो जहाज़ पर सफ़र करे, दोनों के साथ साथ ही है, रनवे भी साथ है और रेल का भी साथ। तो ये मेरी ट्रेन आ गई है डच बान आइस ट्रेन जो भी फ्रैंकफर्ट से ड्रेसडन जाएगी और डेस्टिनेशन यानी कि ड्रेसडन पहुंच गया हूं और यहां पर अभी जो टाइम है वो 10:30 बज रहे हैं रात के और टेम्परेचर जो है वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो काफ़ी ठंड है इसलिए मैंने जैकेट भी पहन ली है। तो इसी के साथ मैं अपने इस ट्रैवलिंग व्लॉग को आज यहीं पर एंड करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। नए व्लॉग के साथ बहुत ही जल्द मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।